रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश के साथ साथ विदेश से भी लोग आए थे। विदेशी मेहमानों में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी थे। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अनिल अग्रवाल ने उस पल को अद्भुत बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री की खूब तारीफ की और खुद को सौभाग्यशाली माना कि उन्हें इस जन्म में रामलला के दर्शन करने का मौका मिला। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं अनिल अग्रवाल साहब, वेदांता ग्रुप के। अनिल जी, आपको जय सियाराम। जय सियाराम। अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। कल प्राण प्रतिष्ठा का भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था। वो कार्यक्रम देखकर आपका पहला एहसास क्या था? विश्वास नहीं हो रहा था कि इस धरती पर हूँ जी। जो आपने सुनते थे कि कहीं और, जो नज़ारा था, जो फीलिंग थी, जो हवाएं चल रही थी, जो साधुओं की मंडलियां घूम रही थी और श्री राम के जो नारे लग रहे थे, वो एक अद्भुत ही था कि इस जन्म में इस तरह का भी कभी कोई अनुभव मिलेगा। हम लोग भगवान का नाम लेते थे तो कुछ आधा अंदर पकड़ के रखते थे और आधा बोलते थे जी। कल खुले दिल से हम लोग बोल रहे थे कि हम राम मंदिर में आए हैं और जय श्री राम। कल के पूरे प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को अगर आप अपने शब्दों में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? प्यार बांटे जी, दुनिया को साथ में लेके चले। वैसा लगा कि दिन आने वाला है, एक लीडर चाहिए था, एक लीडर मिला है जो कि सब कुछ न अपने बारे में, पहले मैं देखता था सब अपने बारे में सोचते थे जी, एक आज एक लीडर मिला है वो लोगों के बारे में सोचता है, ये बहुत अच्छा लगता है। एक युगांतर हम देख रहे हैं क्योंकि राम मंदिर 550 साल बाद बन रहा है और शायद हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये इस युग में बन रहा है, तो ये युग में भी एक बदलाव है। यहाँ से ये बदलाव तो क्योंकि हमारे जो गरीब हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, मैं कल देख रहा था मिथिला से लोग पैदल चल के आए थे, मैं भावुक हो गया। उड़ीसा से लोग पैदल चल के आए थे, कोई साइकिल पे आ रहा था जी, 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक एक महीना चल के आ रहे हैं। यही तो हमारा भाव है और दुनिया में कहीं देखा नहीं है। मैं बाहर रहता था तो मैं मक्का मदीना सुनता था, मैं वेटिकन सिटी समझता था, अयोध्या वैसा का वैसा उससे बढ़िया होने वाला है। आप देखेंगे कि ये जो जगह है, मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ, एक बार आके देखिए, आपको खुद में बदलाव नजर आएगा, एक आपको हैंडल मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, इस लाइफ का एक पर्पस मिल जाएगी, एक ऊर्जा मिल जाएगी। आज सुबह का सूर्य उदय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ है, यानी आज का सूर्य उदय कितना महत्वपूर्ण है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आप तो विदेश में रहते हैं, भारत के साथ आपका लगाव, आपका जुड़ाव, आपका प्यार भारत के साथ है, लेकिन ये जो सूर्य उदय है, ये इसको आप कैसा देखते हैं? मैं तो भावुक आदमी हूँ, सुबह जब उठा तो वो ये कल वाला गाना चल रहा था, नगरी हो अयोध्या की, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, लक्ष्मण सा भाई हो, रघुवर के चरण जैसा ये अयोध्या हमारा हो। बहुत बहुत आप तो भजन कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि विदेश में रहते हैं, वहाँ आपका कामकाज है, आपको मेटल किंग भी कहा जाता है, लेकिन राजा तो राजा राम है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर हमने जो एक दौर देखा है उसमें अब राम की बात करने में सीना चौड़ा होने लग गया है, पहले जो नहीं होता था? ये पूरी दुनिया में राम कृष्ण का शब्द सबको मालूम है, लेकिन ये जो एक लीडर चाहिए जी, एक किसी का सहारा चाहिए, एक किसी के कदम आगे बढ़ने चाहिए। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।